ग्वालियर में आज कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर शहर के थातीपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन की टीम जैसे ही अतिक्रमण हटाने जगर से क्षेत्र में पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मौके पर रहवासियों द्वारा बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण कर यातायात को अवरुद्ध करने के साथ ही गंदगी का अंबार लगा रखा था, जिसके चलते जेसीबी के माध्यम से जहां अतिक्रमण हटाया गया तो साथ ही सड़कों पर पशुओं को बांधकर डेयरी संचालित करने वाले लोगों पर भी प्रशासन ने कार्यवाही की। दरअसल कलेक्टर अनुराग चौधरी को लंबे समय से थाटीपुर क्षेत्र की झवर स्टेट इलाके में सड़क पर अतिक्रमण आवारा पशुओं को बांधकर डेयरी संचालित करने के कारण गंदगी फैलाने व पेयजल से संचालित किए जा रहे वाहन धुलाई सेंटर की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एसडीएम को निर्देशित करते हुए टीम गठित कर आज इसके विरुद्ध कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन की टीम को सड़कों पर गंदगी अतिक्रमण एवं पेयजल से वाहन बोलते हुए पाए गए, जिसके बाद टीम द्वारा वाहन बुलाई सेंटर से पंप मशीन को जब्त कर सील किया गया तो वहीं डेयरी पशुओं के मालिकों पर निगम अधिकारियों को जुर्माना कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इतना ही नहीं, मुख्य सड़क से सटे क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर उसे मुक्त किया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा मुख्य मार्ग से निकले नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके चलते बरसात के मौसम में क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो रही थी। इसे देखते हुए ही यह कार्यवाही की गई। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि कुछ डेयरियां जो इलीगल चल रही हैं, सड़क किनारे चल रही हैं, जिससे गंदगी भी हो रही है, ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है और कहीं कहीं इनके द्वारा अतिक्रमण भी किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी है। तो आज इसी क्रम में मैं इधर, चूँकि यहाँ से मैं निकलता रहता था पहले भी, तो ये मेरे को यहाँ था कि ये डेयरी गलत चल रही है। उसके पहले मैं, आपने देखा होगा, अभी एक धुलाई सेंटर था, पेयजल के पानी से गाड़ियों को धो रहे थे, तो उसके भी मैंने मोटर जब्त करके और स्टैंड जब्त करके थाने में भिजवाया है। और दूसरा ये यहाँ पर ये चार पांच परिवार जो है सड़क पे ही बिल्कुल पशु बांध के गंदगी फैला रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ कॉलोनी के निवासियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है और लोक न्यूसेंस हो रहा है। तो आज हमने जो है ये नगर निगम के सहयोग से यहाँ पूरा हटा रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो हम देख रहे हैं कि वो भी अगर इन लोगों के पास मिल जाते हैं अगर, तो फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अगर मिल जाता है, कोई कनेक्शन मिलता है, तो ये कहाँ से ला रहे हैं, हमने वो भी टीम लगाई है, अभी टीम हमारी गई है, अगर मिलेगा तो आज ऑक्सीटोसिन पर भी कुछ कार्रवाई करेंगे अगर कुछ जानकारी मिलती है तो। ये नगर निगम करेगा, उनको जब्ती वगैरह की कार्रवाई अपने ले जाएंगे, अगर कोई पशु मिलता है इनके घर में उसको भी ले जाके भिजवाएंगे वहाँ कांजी हाउस में। अब जुर्माना नगर निगम करेगा अपने एक्ट में जो है, अभी तो प्राइमरी तो यही गंदगी साफ हो जाए या अतिक्रमण हट जाए, तो लोगों का जो है वो वाहन के लिए जगह ही नहीं, निकलने के लिए जगह नहीं है इस कॉलोनी में, रास्ते में आगे का इतना बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, सबको परेशानी हो रही है।